अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की अहेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप आज हम समस्त वैष्णव जवन श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा के तीसरे दिन की कथा गंगा में प्रविष्ट हो रहे हैं। घबरा गई और उससे आग बना न दाब नदी में ही छलांग लगा दी। आत्मरक्षा के लिए जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई और पैरों को मारती हुई नदी के दूसरे किनारे पर चढ़ गई। दूसरे किनारे पर जैसे ही वह चढ़ रही थी नदी में जिस समय छलांग लगाई उसने तो ये आसन प्रसवा तो थी ही, इसका गर्भ निकल करके नदी में गिर पड़ा। अब यह दूसरी तरफ किनारे पर जाकर के जैसे ही चढ़ रही थी ये बेहोश होकर के गिर पड़ी और पैरों को छटपटाती हुई इस हिरनी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब जेर में लिपटा हुआ बच्चा हिरनी का और नदी के प्रवाह में बहने लगा। भरत जी अपने तप में अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। जैसे ही छलांग लगाई उसने तो आंख खुली और आंख खुली तो भरत जी ने देखा कि हिरनी तो मर गई है लेकिन उसका बच्चा जेर में लिपटा हुआ है जो अभी नदी में बह रहा है। अगर इसको कुछ ही क्षणों में इसको उबारा न गया, इसको सहारा न मिला तो यह जल में प्राण त्याग देगा। चार चिन्ह हरि भगत के प्रकट दिखाई दे, दया धर्म और दीनता पर अब गुण ढक ले। चार चिन्ह भगवान के भक्त में संत में महात्मा में वैष्णव में स्पष्ट रूप से उभर करके उभरते हुए रहते हैं। कौन कौन से? दया। एक तो उनके हृदय में दया बड़ी होती है, वो किसी को दुखी देखना नहीं चाहते और कोई भी कार्य करेंगे तो अपना धर्म समझ के करेंगे, अधर्म के कार्य में कदापि प्रवृत्त नहीं होंगे। दीनता, अपने को सबसे छोटा मानते हैं, भैया मेरे पास क्या है, मैं तो बड़ा ही दीन हूँ, कुत्सित हूँ, कुविचारी हूँ, मैं भगवान के सामने जाने लायक ही नहीं, मुझे तुम संत क्यों कह रहे हो। और चौथा जो गुण है वो ये है, पर अब गुण ढक ले, दूसरे के दुर्गुणों पे पर्दा डाल देते हैं। चार सखाओं में बैठ करके उसके दुर्गुणों की चर्चा करके हंसते नहीं है बल्कि उसके अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। पर अब गुण ढक ले, अब जिनके हृदय में सदा दया उमड़ती रहती है ऐसे संत स्वभाव भरत जी जो है तपस्या कर रहे हैं। बच्चा बहकर के जा रहा है, आप बताइए भरत जी का क्या धर्म है? जो मरने के लिए जा रहा है उसको अगर सहारा मिल जाए तो उसके प्राण बच जाएंगे। भरत जी तत्काल प्रवाह में कूद पड़े और दोनों हाथों से उस बच्चे को ऊपर उठा लिया, फिर तो उसकी गंदगी मलादी को साफ करके और किनारे पर ला करके बिठा दिया। अब भरत जी अपनी तपस्या में अपने जो जप छूट गया था उसको पूरा करने लेकिन ध्यान बच्चे। अब जब चलने के लिए तैयार हुए तो सोच रहे हैं कि इस बच्चे को साथ ले चलूं अथवा यही छोड़ चलूं। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि अगर मुझे यही छोड़ना था तो इसको बचाया क्यों, अगर ये वो मर जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ इसको कौन छोड़ेगा, इस जंगल में तो बड़े बड़े भयानक और नदी का किनारा है, पानी पीने के लिए सब आते हैं, इसको कोई खा जाएगा। तो दयालु स्वभाव वाले भरत जी उसे अपने साथ ही ले गए और धीरे धीरे नित्य प्रति उसको साथ ही रखते हैं, पास में रखते हैं, नहलाते हैं और घास के कोमल कोमल तिनके चुन करके लाते हैं और उसको खिलाते हैं। धान के कण जंगली धान के चावल लाते हैं, उसको चुगाते हैं। धीरे धीरे यह हिरनी का बच्चा बड़ा होने लगा और भरत जी से इसका प्रेम आसक्त हो गए। अब अगर बच्चा निकल ही जाता है तो भरत जी यही सोचते हैं कि बच्चा लौट करके नहीं आया, कहीं अनिष्ट तो नहीं हो गया कोई।
जब बच्चा आ जाता है तो बड़े प्यार से उसको अपने पास बिठाते हैं। क्रम बढ़ने लगा, धीरे 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 यह बच्चा खूब वयस्क हो गया। जंगल में जाता है चुगने के लिए, लेकिन अंत में भरत जी के पास आ जाता है। अब धीरे धीरे समय तो एक दिन आना ही है, भरत जी की वृद्धावस्था तो थी ही, अब भरत जी का अंतिम समय आ गया। अपनी कुटिया में पड़े हुए भरत जी आसन पर विराजमान हैं, लेट रहे हैं, और आज वह हिरण का बच्चा भी चुगने या घास खाने के लिए नहीं गया है, वहीं बैठा है। भरत जी का अंतिम समय है, हिरण बच्चा वहीं बैठा हुआ देख रहा है और आंखों से टप टप आंसू झर रहे हैं। भरत जी भी उसी की तरफ निर्णय में दृष्टि से देख रहे हैं और उस बच्चा का चिंतन करते हुए ही भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो वत्सल भगवान की जय। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कुन्तेय सदा तद्भाव भावित। मरते समय जीव जिस भाव से भावित होता है, दूसरे जन्म में निश्चित रूप से उसी भाव के अनुरूप गति मिलती है। चूंकि भरत जी ने अपने प्राण छोड़े, लेकिन उस हिरण के बच्चे देखते देखते उन्हीं में मन लगाते हुए प्राण त्यागे, अतः भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बने। जब वो हिरण बन गए, लेकिन भजन बहुत किया था और धर्म नीति के आधार पर उन्होंने प्रजा का पालन पोषण किया था, इस पुण्य के प्रभाव से यद्यपि वो हिरण बने, लेकिन उनको पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत स्मरण में रहा। वो जानते थे कि मैं भरत था, अब मैं उस आसक्ति के कारण भगवान की माया को कौन जान सकता है। जिन्होंने भरे हुए खजानों को त्याग दिया आसक्ति नहीं रही, रानियों को त्याग दिया आसक्ति नहीं रही, पुत्रों को त्याग दिया, राज्य को त्याग दिया आसक्ति नहीं रही, वही भरत जी एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। तो हिरण का जन्म जब उनको मिला तो वो केवल कुछ नहीं करते हैं, सूखे पत्ते चबाते हैं और जल पीते हैं, बस इसी से अपने दिन निकालते रहे। और धीरे 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 चलते चलते गंडकी नदी के किनारे पर ही आ गए और गंडकी नदी में जाकर के जल पीने लगे और फिर अंत में अपने शरीर का आधा भाग, पिछला आधा भाग नदी के जल में और आगे का आधा भाग किनारे पर पटक करके अपने शरीर को और विराजमान हो गए। अब हिरण इस अवस्था में है और उस हिरण ने इसी भी अवस्था में अपने प्राण त्याग दिए। बोलो वत्सल भगवान की। तीसरे जन्म में महाराज एक ब्राह्मण थे, उनकी दो पत्नियां थीं। छोटी पत्नी के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। ये जो बेटा था ब्राह्मण का बालक, यही भरत जी थे। अब चूंकि भरत को तीन जन्म की याद है, इसमें है हिरण की भी याद है और राजा की भी याद है, तो अब भरत जी ये सोच रहे हैं कि अब मुझे किसी में आसक्ति नहीं लगानी, किसी में मन नहीं लगाना है, अब तो मुझे सदैव भगवान के चिंतन में, भगवान के ही चिंतन में डूबे रहना है, भजन के सिवाय कुछ नहीं, तो क्या करूं। तो उन्होंने बानिक बनाया, संसार में ऐसे रहने लगे जैसे कोई पागल हो, उन्मत्त था। पिताजी ने उनका जनेऊ संस्कार कराया और उनको गायत्री मंत्र बार बार उनसे दोहरवाया, लेकिन भरत जी ने गायत्री मंत्र भी शुद्ध नहीं बोला, यद्यपि वो जानते थे। तो पिताजी ने कहा, ये तो मंदबुद्धि बालक है भैया, अपने भाइयों को, उनको, अपने बेटों को बुलाकर कहा, भैया इस बच्चे का ध्यान रखना, ये मंदबुद्धि बालक है, लेकिन किसी भी कोई भी कुछ कहे किसी के काम के लिए किसी की आज्ञा को टालता नहीं है, सज्जन है, सुशील है, विनम्र है, कुछ कहता भी नहीं है और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। अपने उन पुत्रों पर भरत जी को छोड़ करके और ब्राह्मण जो है
अपना शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को पधारे। उनके पीछे भरत जी की माँ भी अपने पति के साथ ही पति लोग पधारी और भरत जी अब जो है अपनी बहन के साथ रहने लगे, अपने भाइयों के साथ रहने लगे। जब इस तरह रहने लगे तो अब इन्हें कोई काम बताता है तो ये मना नहीं करते, आनंद के साथ करते हैं। भाइयों ने सोचा कि ये तो बेगार करता है, दिन भर दूसरों की ही आज्ञा मानता रहता है, जैसे कहते हैं वैसे ही चलता रहता है, तो अपने साथ ले लिया और कहा कि अब तुम हमारे साथ रहो। एक दिन भरत जी को साथ लेकर के वो अपने खेत पर पहुंचे और जाकर के कहा कि ये खेत में पानी चलना है। भरत जी, हे भरत, तुम इस खेत में पानी को चलाते रहो, रात्रि होने वाली है, अब हम घर जा रहे हैं और सुबह आकर के देखेंगे। तो रात्रि में भरत जी अकेले ही अपने खेत पर बैठ करके पानी चला रहे हैं, पानी चल रहा है अपने आप। इधर में एक डाकुओं का सरदार है और उसने किसी तांत्रिक के पास जाकर के ये कहा कि मेरे सब आनंद है, संपत्ति खूब है, लेकिन मेरे बेटा नहीं है। तो तांत्रिक ने बताया कि तुम नरवली दो देवी के लिए तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक स्वस्थ युवक को पकड़ करके ले आए हैं और उसकी खूब सेवा करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र आदि से उसको शोभा बढ़ाते हैं, चंदन नाल लगाते हैं और जो कुछ उसको रुचे वही भोजन कराते हैं। अब धीरे 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 वह दिन आने लगा जिस दिन उस मनुष्य की बलि माँ के सामने दी जानी है। मौका पाकर के वह मनुष्य भाग गया। अब चिंता बढ़ गई, डाकू के लोगों ने आकर कहा महाराज वो तो भाग गया और आज रात को ही बलि चढ़नी है। तो बोले और कोई दूसरा आदमी पकड़ करके ले आओ। रात्रि में जब ये निकले तो प्रभु की इच्छा ये वहीं आ गए जहां पर भरत जी वीरासन में बैठ करके भगवान के ध्यान में मग्न थे, उसी स्थान पर आ गए। आकर के जो देखा है भरत के हाथ पैर देखे, स्वस्थ है, सुंदर है, अच्छा हट्टा कट्टा युवक है, तो पकड़ करके ले गए और जाकर के सरदार से कहा महाराज उससे भी सुंदर, उससे भी स्वस्थ युवक मिल गया है, आज्ञा दीजिए। बोले इसको स्नान आदि कराओ, वस्त्र आभूषणों से सजाओ, तिलक छापे लगाओ और सुंदर सुंदर भोजन कराओ और माँ के गीत गाओ, अब कुछ क्षण बाद ही इसकी बलि दी जानी है। महाराज खूब सजा के, खूब खिला के, खूब पिला के, सब मैया के मढ़ में, मैया के मूर्ति के सामने सब विराजमान हो गए और मैया की प्रसन्नता के लिए लांगुरिया गाए जा रहे हैं। घंटन की I'm not afraid.